गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो हमने पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट को समाप्त किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपका वेक्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इसको एक और नेम हम लोगों ने इसका रखा था, जिसका नाम था वेक्टर प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि इसके दो नाम क्यों हैं, क्रॉस क्यों हैं और वेक्टर क्यों हैं। अच्छा, ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा हो गया, 17। ठीक है ना, 16 तो अपलोड हो गया था, ये लेक्चर नंबर हो गया 17 आई थिंक, देख लेना। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि आखिर ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इसका नाम क्रॉस क्यों है और वेक्टर क्यों है, ये मैंने तुमको दोनों चीज़ बता रखा है। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है आपका बी ऐसे, और ये दूसरा वेक्टर है ए। ठीक, ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए को बी के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्रॉस का साइन है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हालांकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ भी, जैसे डॉट में मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका नेम हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब दोस्तों एक बात समझो मेरी, कि जब हम लोग दो वेक्टर को डॉट कर रहे थे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन दो वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो क्या मिल रही है, वेक्टर क्वांटिटी। ये फर्क समझ में आया। और चूंकि हमें रिजल्ट में एक वेक्टर मिल रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ हमने इसका क्या नाम रख दिया, वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो रिजल्ट में जैसा कि तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो अब हम लोग के हाथ में दो चीज़ होना चाहिए। जो रिजल्ट है उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। डॉट में क्या था कि हमें बहुत आराम से रिजल्ट मिल जाता था, क्योंकि हमें सिर्फ सोचना पड़ता था मैग्नीट्यूड के बारे में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से फाइनली यू विल गेट ओनली स्केलर, तो स्केलर का तो डायरेक्शन होता नहीं है। लेकिन आज क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी हमें, थोड़ा टफ होता है ये, लेकिन फिजिक्स में दो चैप्टर ऐसा है, एक रोटेशन और एक मैग्नेटिज्म। ध्यान से सुनना मेरी बात, डॉट के अपेक्षा क्रॉस थोड़ा टफ होता है, लेकिन लकली ये फिजिक्स में सिर्फ दो टॉपिक में इसका इस्तेमाल है ज़्यादातर, एक आध इक्का दुक्का अगर एग्जाम्पल कहीं कहीं छोड़ दें तो। एक आपका रोटेशन में है और दूसरा मैग्नेटिज्म, एक 11th का टॉपिक है और दूसरा क्या है, 12th का टॉपिक है, समझ गए ना। लेकिन उन जगहों पे इसका इस्तेमाल भरपूर है, तो इसलिए अभी हम सीखेंगे और जब उन चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आखिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में सीखा क्या था। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे दो वेक्टर को क्रॉस करने से एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले इस दोनों के क्रॉस से जो पैदा होगा वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मान लो जो वेक्टर पैदा हुआ उसका नाम तुम सी रख सकते हो, तो ए क्रॉस बी से क्या मिल गया, सी। अब उस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है दोस्त। तो देखो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा उसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मॉड में डालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मान लो वेक्टर सी आया, ए क्रॉस बी करने से क्या मिला आपको, सी, ये एक वेक्टर मिला। तो सीधी सी बात है, सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आखिर ये सी पैदा हुआ किसके वजह से, ए क्रॉस बी से। तो इसलिए हम लोग अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो जो वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमें। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके लिए साइंटिस्ट ने कौन सा फॉर्मूला दिया वो समझो। जैसे कि आपको डॉट प्रोडक्ट में ये बताया गया कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी क्या हो गया बच्चों,
ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बच्चों यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने किया क्या किया कि थोड़ा सा फर्क करना है तुम्हें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है। ए क्रॉस बी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। कितना सिंपल है, वहां पे हमने क्या सीखा कॉस थीटा और यहां पे अपने सामने क्या आ रहा है साइन थीटा। और जहां पे वेयर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जहां पे दोस्तों थीटा जो है वो एंगल है किसके किसके बीच का, ए और बी का। थीटा क्या है आपका एंगल है ए और बी के बीच में, सब कुछ सेम है, वहां कॉस था यहां साइन था, तो मैग्नीट्यूड को लेके तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, तो ये एक बेसिक रूल है जिसको आप याद रखेंगे, डॉट के लिए ए बी कॉस थीटा, क्रॉस के लिए ए बी साइन थीटा। चक्कर होगा आपको यहां डायरेक्शन का कि आखिर ये जो नया वेक्टर मिलेगा सी ए क्रॉस बी से, तो सी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग बोल दिए, सी का सीधी बात है, सी का मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा कितना हुआ तो कह दोगे ए बी साइन थीटा, है ना, मॉड भी हटा दो एरो भी हटा दो, तो ये तो मिल गया आपको। ये सी कैसे पैदा हो रहा पता है ना, सी ए और बी के क्रॉस करने से पैदा हो रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक मैग्नीट्यूड। लेकिन अब डायरेक्शन कैसे होगा, अब इसको लेके, अब डायरेक्शन को लेके बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि आखिर ये वेक्टर सी जो पैदा होगा क्रॉस करने के बाद उसका डायरेक्शन किधर होगा। देखो अब इसको लेके बुक्स में या और भी जगह लोग कई टाइप के रूल्स बताते हैं, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू रूल पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसका सबसे सिंपल है जो मैं अभी बताऊंगा वही आपको रोटेशन में यूज करना है और वही आपको मैग्नेटिज्म में भी यूज करना है, एंड वो है राइट हैंड थंब रूल। क्या दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो राइट हैंड थंब मतलब अंगूठा, राइट हैंड मतलब ये हैंड यूज करना है, तो राइट हैंड थंब रूल। तो अब देखते जाओ तुम क्या लिखेंगे हम लोग, क्या ये रूल होता है। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सीधी सी बात है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्लियर दोस्तों, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसको यूज करके, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ स्पेस बचा नहीं है कि मैं उस रूल को लिख सकूं, तो पहले मैं आपको समझा लूँगा फिर उसके बाद मिटा के मैं पूरी तरीके से आपके सामने लिखूँगा। तो एक काम करो, आप पहले फटाफट इसको लिखो, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा लिख दो, मैं डायग्राम छोड़ के बाकी चीज़ों को रब कर दूँगा। फटाफट लिखो फिर मैं समझाता हूँ ये है क्या। तो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ए क्रॉस बी से हमें क्या मिला, एक वेक्टर जिसको आप सी भी बोल सकते हो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना कैलकुलेट होके आया, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिख दिया, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो पहले अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। अब ये थोड़ा टफ है, तो थोड़ा आप अपने आप को समझाना होगा, थोड़ा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना होगा इसको सीखने के लिए। देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या कहता है, पहली बात कि जिन दो वेक्टर को क्रॉस करना है,
तो क्रॉस किसको करना है, ए को और बी को। तो इन दोनों में पहले कोई तो लिखा हुआ होगा, पहले का मतलब है सीक्वेंस के आधार पे। तो सीक्वेंस में यानी कि क्रम में, क्रम में पहले कौन लिखा हुआ है बच्चों, ए, और उसके बाद कौन आ रहा है, बी। तो अपने राइट हैंड को, ठीक है ना, अपने राइट हैंड को याद रखना, ये लेफ्ट है, ये राइट की बात कर रहा हूँ मैं, अपने राइट हैंड में को जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पहले कौन लिखा हुआ है, ए, तो अपने राइट हैंड को रखना है दोस्तों ए के अलोंग, जो पहले लिखा हुआ है। तो ए के अलोंग हमने रख दिया, ठीक, किसको रखा, इन फोर फिंगर्स को, इसको नहीं, सिर्फ इन फोर फिंगर्स को, ठीक है। तो राइट हैंड के इस चार उंगलियों को रखा हमने ए के अलोंग, और बहुत आराम से इन फिंगर्स को हमने कर्ल किया, कर्ल किया मतलब घुमाया। तो घुमाया किसके अलोंग, तो जो बाद में लिखा हुआ है, तो बाद में कौन लिखा हुआ है, बी। और घुमाना कैसे है बच्चे, तो घुमाना है जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है ना, जो आपका कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल। जैसे कहोगे कि सर मैं ए से बी तक अपने फिंगर को ऐसे घुमा दूंगा, तो भाई ऐसे में तो उंगलियां टूट जाएंगी तुम्हारी। या कहोगे कि सर हम हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो फिर आप बताओ एक बी की तरफ कैसे घूमेगा, बी की तरफ घुमाने जाओगे फिर उंगलियां टूट जाएंगी। तो सिंपल सी बात है कि बी के तरफ जाना है लेकिन थ्रू स्मॉलर एंगल, और जो आराम से घूम जाए, लाइक दिस, समझ गए ना। तो ए के अलोंग रखेंगे, ठीक है, और बी के अलोंग कर्ल करेंगे। ए के अलोंग रखेंगे किसको, उंगलियों को, और किसके अलोंग घुमाएंगे, बी के अलोंग। तो देखो ए के अलोंग रख के बी के अलोंग घुमाए तो अंगूठा इधर आया आपकी तरफ, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा थंब। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, ध्यान से समझना, यही टफ है थोड़ा। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका होगा इस बोर्ड के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो भी आपकी ओर होगा, मतलब कि हेड हम लोग की तरफ आ रहा होगा, जिसका नाम हमने रखा था आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आउटवर्ड, ये हम लोग की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड हो गया ये। और अगर इस वेक्टर को देखोगे तो ये ए के ऊपर भी 90 का एंगल बना रहा है। अभी देखो इस बोर्ड, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर चाहे ए हो या बी हो, आप एंगल देखो, इससे भी 90 के एंगल पे है, इससे भी 90 के एंगल पे है, रादर ये कहो कि इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब ए को बी के साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालेंगे। रूल क्या कहता है, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसके अलोंग फिंगर को रखो, जो वेक्टर बाद में लिखा हुआ है उसके अलोंग फिंगर को घुमाओ, तो जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो तुमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे देगा, जो कि होगा आउटवर्ड। अब घबराना मत, ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और आसान बनाएंगे। तो पहले मैं रूल लिख देता हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या हुआ, प्लेस योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेप्ट थंब, एक्सेप्ट थंब मतलब अंगूठा छोड़ के, एक्सेप्ट थंब अलोंग द वेक्टर रिटन फर्स्ट, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है, रिटन फर्स्ट, दैट इज, ऐसे आई ई लिखने का मतलब दैट इज, और इस केस में पहले कौन लिखा हुआ है, ए, दैट इज ए, ठीक है, along the vector written first, that is A, and finger को हमने ऐसे रख लिया, and curl them, curl मतलब घुमाना, curl them towards another vector, that is B. That is B. Then thumb will give the direction of
ए क्रॉस बी। तो बच्चों जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वो आपको डायरेक्शन दे देगा किसका, ए क्रॉस बी का। और जो आपका ये जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू, विल बी परपेंडिकुलर टू वैक्टर ए कॉमा वैक्टर बी। एंड ये बात देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना होगा, ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड प्लेन कंटेनिंग, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। भाई देखो, ये जो डायरेक्शन तुम्हारा परपेंडिकुलर आया ना, ये आप हमेशा याद रखना कि दो वेक्टर के क्रॉस से जो वेक्टर पैदा होता है वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, वो वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है, और वो उस प्लेन में भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये डायरेक्शन आपकी ओर आने वाला होगा। तो कोई एरो जो आपकी ओर आएगा, इसको बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे? आपकी ओर जो डायरेक्शन होगा, यहाँ तो कोई बोर्ड हमारे पास है नहीं, तो आखिर मैं एरो यहाँ कैसे बनाऊँ? तो इसके लिए एक सिंबल दिया गया, ये सिंबल देखो, अभी मैं यहाँ बना रहा हूँ डायरेक्शन के आगे, ऐसे डॉट बना दो। इस डॉट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एरो तुम्हारी ओर आ रहा है, अगर कोई तीर सामने से आता है, तो उसकी सिर्फ नोक दिखाई पड़ेगी हमें। क्या दिखाई पड़ेगी उसकी? सिर्फ नोक, है ना, उसका जो पॉइंट है वो अपने को दिखेगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, इसको हम लोग आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? आउटवर्ड। इस जो पॉइंटेड जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? चलो अब इसको पहले नोट डाउन करो और फिर हम लोग तुरंत इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और देखो यहाँ से तुम्हारा मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये राइट हैंड थंब रूल को कैसे लगाना है, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ आपको पेन फील होगा, आपको ये डायरेक्शन में ही पेन फील होगा। मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं दोस्त, ए बी साइन थीटा कर देना है। अल्टीमेटली यहाँ सीखना है डायरेक्शन, तो पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं डायरेक्शन के बारे में और एग्जाम्पल देता हूँ। चलो तो अब हम लोग डायरेक्शन को लेके थोड़ी और बात करते हैं। देखो जैसा ही कुछ देर पहले हमने ये डायग्राम बनाया था वेक्टर ए और वेक्टर वी के लिए, ठीक है, और ये एंगल था थीटा। तो अगर मान लो कि अभी ए क्रॉस बी कर रहे थे, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा रह सकता है कि बी क्रॉस ए करो, तो कहोगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई सर, ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, एक ही बात तो होगी। नहीं दोस्त, अब ये डॉट प्रोडक्ट में चलेगा। डॉट में मैंने तुमको बोला था कि ए डॉट बी करो अथवा बी डॉट ए करो, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ए बी कॉस थीटा। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, कौन आगे लिखा हुआ है कौन पीछे लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इक्वल होते थे। दैट्स वाई हम लोग बोलते थे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ याद है ना। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ मामला कैसे चेंज होगा वो देखो आप। सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिखा हुआ है B क्रॉस A, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे इसके, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A क्रॉस B लिखो या B क्रॉस A लिखो, अल्टीमेटली तुम्हें B इंटू A इंटू साइन थीटा ही मिलेगा। अब तुम इसको बी ए साइन थीटा बोलो या ए वी साइन थीटा बोलो, इससे क्या फर्क ही पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसके डायरेक्शन की बात करोगे तो भाई डायरेक्शन तो बहुत फर्क पड़ गया, कुछ देर पहले डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कुछ देर पहले आपने लिखा था ए क्रॉस बी, है ना, तो पहले ए था बाद में बी था, तो आपने ए से किसकी ओर कर्ल किया था, बी की ओर। लेकिन अब देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अब लिखा हुआ है बी क्रॉस ए, मतलब बी पहले है ए बाद में है, बी पहले है और ए क्या है
बाद में। तो क्या करना होगा हम लोग को? तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग रूल के मुताबिक अपने राइट हैंड के फिंगर्स को जो पहले लिखा हुआ है यानी बी, उसके अलोंग रखेंगे और घुमाएंगे किसके अलोंग? ए के अलोंग। तो कहोगे कैसे हाथ रखें? अब देखो हाथ रखने में ही समस्या है। तुम कहोगे कि सर हम ऐसे हाथ रख देते हैं, तो भाई फिर ए के तरफ कैसे घुमाओगे? आपकी उंगलियां टूट जाएंगी। तो कहोगे नहीं सर हम ऐसे घुमा लेंगे, तो ऐसे भी नहीं घुमा सकते क्योंकि वेक्टर का एंगल ये है, ये वेक्टर का एंगल नहीं है। तो सीधी सी बात है आप ऐसे हाथ नहीं रख सकते क्योंकि रखना पहले बी के अलोंग है, तो बी के अलोंग रखने का कोई और तरीका सोचो जिससे कि बी के अलोंग रख भी लें और ए के तरफ घुमा भी लें। तो बस आपको क्या करना होगा, बस आप हाथ को ऐसे कर दो, देखो बी के अलोंग रख दिए और आराम से ए की तरफ घूम रहा है, लेकिन इस बार जो अंगूठा है, थंब है, वो बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, आउटवर्ड आ रहा है या इनवर्ड जा रहा है? तो दोस्तों देखो बी क्रॉस ए इनवर्ड जा रहा है, जैसे एरो ए क्रॉस, देखो ए क्रॉस बी में ऐसे हाथ रखे, ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए में दिस वे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, कितना सिंपल है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। आ रही है बात समझ में? तो बी क्रॉस ए ऐसे करेंगे तो ये हम लोग का जो थंब है वो किधर चला गया? इनवर्ड। तो अगर एरो इनवर्ड जाएगा तो इनवर्ड, तो एरो आपसे दूर जा रहा है, पिछली बार एरो आपकी और आ रहा था, इस बार एरो दूर जा रहा है। तो एरो अगर दूर जाएगा तो मैंने शुरुआत के लेक्चर में ही बता रखा था कि उसको हम लोग ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे। ये क्रॉस का मतलब एरो के पीछे में ना फेदर्स होते हैं, पंख लगे होते हैं, तो जब एरो दूर जाएगा तो पीछे से अपने को वो पंख दिखेगा, दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिख दिया क्रॉस। तो देखो कितना फर्क हुआ, ए क्रॉस बी आपकी ओर। अगर हम देखें इस वेक्टर को, अगर हम दो पेन से दिखावें तो ये ब्लैक वाला जो है ये आपकी ओर है, ये आ गया ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए आपसे दूर, ये रेड इसका मान लो ये जो कैप है इसको मान लो एरो का हेड है, तो ए क्रॉस बी तुम्हारी ओर, अब बी क्रॉस ए जो होगा तुमसे दूर। तो देखो इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट वैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, एक आउटवर्ड और दूसरा इनवर्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो इसका मतलब ये हो गया ये आउटवर्ड, आउटवर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि कल को तुम लिख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। कहोगे सर ये इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये इक्वल का साइन ये दिखा रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब हुआ इट मीन्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए will have opposite direction, ठीक है? तो ये कुछ और बातें हो गई, लेकिन हमें अभी और प्रैक्टिस करना है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एग्जाम्पल्स, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखने, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। जो मैं अभी बोर्ड पे बनाऊंगा ये तो पूरा आपको टू डायमेंशनल आप फोन पे देखते हो, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको रूम में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? क्योंकि तुम अपने सामने, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने वाली बात है, तो सामने में अगर करोगे, रूम के अंदर करोगे, तो आपको ज़्यादा बढ़िया से विजुअलाइज होगा और आप चीज़ों को समझ भी पाओगे। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग कि मैं तुमको बोर्ड पर ही समझा दूँ इन चीज़ों को। जैसे मान लो सबसे पहले ये एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई, और कायदे से अगर जेड एक्सिस ड्रॉ करना होगा तो बच्चों उससे मेरे को यहाँ पे हवा में ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इधर कुछ तो है नहीं, इधर मैं कैसे ड्रॉ करूँ? तो बोर्ड पे ही आपको वर्चुअली दिखाता हूँ कि ये हो गया, समझ रहे हो ना बात को? ये रेड कलर से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉजिटिव जेड हो गया,
दरअसल बोर्ड पे जो ऐसे बनाया वो किधर है पता चल रहा है आपको? वो आपकी ओर है, और ठीक इसके पीछे है ना बोर्ड के अंदर कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव जेड। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ दिमाग लगाते हैं। मान लो एक वेक्टर है ए, अब तुम सोच के मेरे को बताना, इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई में, और दूसरा वेक्टर है बी, इसका डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स में, ठीक है? तो फटाफट मेरे को सोच के बताओ कि ए क्रॉस बी किधर होगा, इसकी डायरेक्शन सिर्फ बता दो मेरे को, थोड़ा टाइम लो और सोच के बताओ। सोच लिया आपने? चलो देखते हैं। ए किधर है आपका? पॉजिटिव वाई, तो ठीक है बगल में डायग्राम बनाते हैं यहां पे। ए हो गया पॉजिटिव वाई में, दिस इज वेक्टर ए ऊपर, और बी किधर है? नेगेटिव एक्स, तो बी हो गया नेगेटिव एक्स, ठीक है नेगेटिव एक्स इधर है। तो क्या बोल रहा है आपको? ए क्रॉस बी, तो पहले कौन लिखा हुआ है बच्चे? ए, बाद में कौन लिखा हुआ है? बी। फिंगर किसके लॉन्ग रखोगे? ए के लॉन्ग, और घुमाओगे किसकी ओर? जब जिधर आराम से घूम जाए तो बी के लॉन्ग। तो देखो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर, तो अंगूठा बाहर आ रहा है, अंगूठा बाहर आ रहा है, तो बाहर वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव जेड का है, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया कि इसका डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव जेड में। देखे कितना आराम से हो गया, समझ में आ रही है बात? चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे और अपने को सॉल्व हो जाएगा। मान लो बी जो है वो है आपका पॉजिटिव वाई में, और ए आपका है पॉजिटिव एक्स में, ठीक है? और आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो आपको कैलकुलेट करना है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो फटाफट पहले डायग्राम बनाओ, पहले तो ये नोटिस करो कि किस में किसको क्रॉस करना है। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ बी पहले है और ए बाद में, बी पहले है और ए बाद में, और फिर देखो बी किधर है, तो बी है पॉजिटिव वाई में, तो दिस इज बी पॉजिटिव वाई में। उसके बाद ए, ए किधर है बच्चों? तो ए है पॉजिटिव एक्स में, तो ए हो गया दिस इज ए। तो B हो गया ऊपर Y के लॉन्ग, A हो गया पॉजिटिव X में, किस में से किसको क्रॉस करना है? B क्रॉस A। तो अपने फिंगर्स को किसके लॉन्ग रखोगे? जो पहले लिखा हुआ है B, और घुमाना किधर है? A के लॉन्ग, ऐसे घुमाएंगे, नहीं ऐसे तो उंगली टूट जाएगी, ऐसे घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है? इनवर्ड, और इनवर्ड यानी तुमसे दूर, और तुमसे दूर जो है वो नेगेटिव जेड का डायरेक्शन है। तो फटाफट आंसर कर लेंगे हम लोग कि इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है? चलो इसको जल्दी से राइट डाउन करो, एक दो एग्जांपल मैं और करूंगा अभी। तो दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए आपका दिया हुआ है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है वही डायग्राम मैंने यहाँ लिख दिया है, और बी दिया हुआ है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि ये जेड आपको बोर्ड पे है नहीं, तो थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं हम लोग। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहली बात देखो, ए आपका पॉजिटिव जेड के लॉन्ग है, तो इसके लिए मैं तो आपको एक थ्री डायमेंशनल एनालिसिस देता हूँ। आप पहली बात ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये रेड कलर वाला, और आपकी ओर ये ब्लू कलर वाला जो है ये क्या है दोस्तों? जेड एक्सिस। क्लियर है? ये आपकी ओर जो आ रहा है ये पॉजिटिव जेड है और ये पॉजिटिव एक्स है। ए किधर है आपका? तो ए हो गया जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये ब्लू वाला क्या है? जेड एक्सिस, और यही आपका क्या हो गया? ए, ए का डायरेक्शन। और बी किधर है दोस्तों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अपने राइट हैंड के फिंगर को जो पहले लिखा हुआ है, पहले कौन लिखा हुआ है? ए, तो ए के लॉन्ग रखो और बी के लॉन्ग कर्ल करो। तो देखो अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर, तो ऊपर का जो डायरेक्शन है दोस्त, अगर आप सोचो कि ये एक्स है और ये जेड है,
तो z क्रॉस x करोगे तो ये अंगूठा ऊपर, मतलब कौन सा डायरेक्शन गया, पॉजिटिव y। तो कितना सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो लोग चाहे कितना भी टफ बताएं इसे, ये मुश्किल नहीं है। एक और करते हैं फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मान लो a का डायरेक्शन ले लेते हैं नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, और b का डायरेक्शन भी ले लेते हैं नेगेटिव z एक्सिस। तो दोस्त a क्रॉस b या a सॉरी b क्रॉस a कर लेते हैं और टफ बनाते हैं। पहली बात समझो, इस बार ए बी दोनों नेगेटिव एक्स और नेगेटिव जेड के लॉन्ग है। तो नेगेटिव एक्स देखो इधर है, तो भाई रेड कलर बना दो नेगेटिव एक्स में, और नेगेटिव जेड का मतलब हो गया पीछे। तुम जैसे ये था ना तुम्हारी तरफ पॉजिटिव जेड, तो नेगेटिव जेड हो गया पीछे, देख रहे हो ये ब्लू कलर। तो बी किधर है, नेगेटिव जेड में, ए किधर है, नेगेटिव एक्स में। तो ये हो गया ए इस तरफ और जेड नेगेटिव जेड ये हो गया। तो पहले कौन है बी और फिर कौन है ए, तो बी पहले है, तो बी के लॉन्ग अपने फिंगर को रखो, बी के लॉन्ग अपने फिंगर को रखो और किसके लॉन्ग घुमा दो, ए के लॉन्ग। तो फिर देखो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, और ऊपर का जो डायरेक्शन है वो किसका है, पॉजिटिव वाई का। तो कुछ दिक्कत नहीं है दोस्त, आप एकदम आराम से इन सभी का आंसर निकाल सकते हो, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन को लेके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से लिखो इसको, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिख लिया आपने, चलो अब हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के केस में उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस को देखा था, ठीक इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और उसके यूज को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब याद करो बच्चों कि एक वेक्टर को अगर उसको खुद के साथ डॉट करते थे ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर्ड हो जाता था। लेकिन यही काम अगर किसी वेक्टर को अपने आप के साथ क्रॉस कर दिया जाए, मान लो ए को हमने क्रॉस कर दिया ए के साथ, सॉरी ए को हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों ए के साथ, तो ए को अगर ए के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है, क्या रिजल्ट मिलेगा। तो पहली बात देखो, जब ए को ए के साथ क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए इंटू साइन जीरो, क्योंकि कोई वेक्टर अपने ही साथ खुद के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो जीरो डिग्री बना रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। तो ए क्रॉस ए का जो मॉड होगा वो क्या कैलकुलेट होके आ गया, जीरो। यानी ए क्रॉस ए एक नल वेक्टर देगा, यहाँ एरो लगा दो, इससे सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा कि आपको वेक्टर मिल गया। अरे ये एरो से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस कहने को एक याद है ना, हम लोग नल वेक्टर पढ़े थे, मतलब मैग्नीट्यूड तो जीरो ही लिखोगे और डायरेक्शन कोई पूछेगा तो कहना भाई जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है उसके डायरेक्शन के बारे में क्या बात करेंगे। तो यानी अब ये समझ में आपको आ गया कि किसी वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस करने से क्या हो जाता है, जीरो, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। दोस्त कॉम्यूटेटिव के बारे में तो अभी कुछ देर पहले भी हम लोगों ने बात किया कि जैसे ए डॉट बी
इक्वल्स टू बी डॉट ए हो जाता है, इक्वल होता है, चाहे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, इक्वल होगा। लेकिन ये चीज क्रॉस के साथ नहीं होगा। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि क्यों इक्वल नहीं हुआ, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा बट दे डोंट हैव सेम डायरेक्शन, क्योंकि अपने को पता है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, उनका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और अगर आपको इतना ही शौक है कि इसको हम बराबर करें तो इस फॉर्मेट में तो ये कभी बराबर नहीं होगा, आपको ये लिखना पड़ सकता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए तो नहीं होगा लेकिन माइनस बी क्रॉस ए के लिखोगे तब यहाँ पे बराबर कर सकते हो। ऐसा करने से क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो चलो बराबर है और इस बराबर और ये माइनस करने से ये हो गया कि इनका जो साइन है ये क्या है, अपोजिट, मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों डायरेक्ट बराबर नहीं होंगे, अगर बराबर करना है तो आपको यहाँ एक माइनस लगाना होगा और वो माइनस ये बता रहा होगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये समझ में अपने को आ गया कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी बात कि सर डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, किसको फॉलो कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, लगाते हैं दिमाग। नंबर थ्री, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, मे फॉलो, दोस्तों मे वर्ड लग गया मतलब हो सकता है, कुछ लोग साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं ये फॉलो करेगा ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ एक टर्म लिख दिया है मे, कुछ कंडीशन लगाएंगे अभी देखना, मे फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रोवाइडेड का मतलब शर्त रख दी हमने, कंडीशन रख दिया, प्रोवाइडेड ऑर्डर ऑफ वैक्टर्स शुड बी मेंटेन्ड का मतलब बनाए रखना, ऑर्डर का मतलब क्रम, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा अगर वैक्टर्स के क्रम को आप मेंटेन रखेंगे तो। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, वैक्टर्स के ऑर्डर को मेंटेन करने का क्या मतलब हुआ, अभी देखो। जैसा कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करवा दें तुम्हें, ए डॉट बी प्लस सी, याद करो डॉट प्रोडक्ट में, तो आप लिख सकते थे इसको, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्लियर। अगर तुम में से किसी ने जल्दीबाजी में ये लिख दिया बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये सही होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अल्टीमेटली ए को बी और सी के साथ डॉट कर देना है, पहले बी लिखा हुआ है या पहले ए लिखा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके लिए वैलिड था, डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे लगाना है लगा लो। लेकिन जब बात आएगी क्रॉस की, तो अगर आपने ऐसे लिखा ए क्रॉस और ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो यहां तो भाई सीक्वेंस मैटर करता है। तो अगर आपका इस ए पहले है और जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बाद में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी ए पहले ही रहेगा और बाकी बाद में रहेंगे, मतलब इसको तुम लिख सकते हो ऐसे ए क्रॉस बी, अभी अंदर गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी हर हालत में ए बी के भी
साथ पहले क्रॉस में रहेगा और सी के, क्योंकि ये शुरू में ही पहले है, ये आपका राइट होगा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया जैसे यहां उल्टा पुल्टा किया कि बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? तो डॉट प्रोडक्ट की तरह क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो कर सकता है, बट हमारी शर्त यह है कि यहाँ सीक्वेंस मेंटेन, सीक्वेंस यानी ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है मतलब कि क्रम, ये क्या होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए, यानी क्रम बना हुआ रहना चाहिए। आ रही है बात समझ में? और इसकी वजह तो तुम जान ही रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है सीक्वेंस से भारी पंगा हो जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो चलो इस पे भी और बात करते हैं, इस पे और सारा और ढेर सारा मैं एग्जांपल अभी लिख के दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तो इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये आप बस मेरे को बताते जाना क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यानी ए क्रॉस मान लो बी प्लस सी है, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए, अब तुम बताओ ये राइट है या रॉन्ग है? कहोगे सर आपने डिस्ट्रीब्यूट, अंदर तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया। तो दोस्तों ये जो है ये दिस इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू, सही है। कहोगे कैसे? तो देखो कायदे से इसका आंसर तो ये होना चाहिए था कि अगर इसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करते तो इसका आंसर होना चाहिए था ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन अगर किसी ने मान लो सी को आगे कर दिया तो उसने यहाँ माइनस भी तो लगा दिया है ना, क्योंकि ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए में तो डायरेक्शन ही तो दोनों का अपोजिट है। तो अगर तुम सी को पहले डाल लोगे तो यहाँ तुम्हें माइनस लगाना होगा, और ये बिल्कुल ट्रू है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट लिख के दिखाओ। मान लो कि बी प्लस सी है और ए ऐसे लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है सीक्वेंस में यानी ऑर्डर में ए कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों इसको लिख सकते हैं हम लोग बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, दोनों बारी हम लोग क्या लिख देंगे, इसको पीछे ही लिखेंगे। क्लियर है? तो ये आप सीक्वेंस का मीनिंग समझना, इसको अच्छे से समझना, इसकी ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? चलो फटाफट इसको लिख लो। तो इस तरीके से अपने को पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव ये फॉलो तो कर सकता है, लेकिन हम लोग को उस समय थोड़ा स्पेशल केयर रखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स का। क्लियर? चलो लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिख लो, एक मिनट का है, कुछ खास तो है नहीं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जरा देखो नंबर फोर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अब देखो इसे मजा आने वाला है अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। पहली बात, रेक्टेंगुलर से मैं तुम्हें बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया आई जे और के, आई जे के को हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं। तो इन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो सीधी बात है ये हमने डॉट में भी देखा था। तो फटाफट आप आंसर करते जाओ, देखो आई को आई के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ बच्चों? सिंपल, जीरो, क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर किसी दो वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो। वजह है आई और आई के बीच का एंगल क्या हो जाना, जीरो, ठीक है। ठीक इस तरीके से जे को जे के साथ क्रॉस किए, व्हाट यू विल गेट, जीरो। के को के के साथ क्रॉस किए, व्हाट यू विल गेट, जीरो। आई को माइनस आई के साथ क्रॉस करोगे तो भी जीरो होगा, क्योंकि क्यों, तो देखो आई अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो माइनस आई नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा 180,
तो साइन 180 भी तो जीरो होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ आपका आई को आई के साथ क्रॉस करो तो भी जीरो आएगा, या आई क्रॉस माइनस आई करोगे तो भी जीरो। ठीक इस तरीके से दोस्तों जे क्रॉस माइनस जे भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। के क्रॉस माइनस के भी क्या हो जाएगा, जीरो। आ रही है बात समझ में? वजह क्या है, समझ में आ रहा तुम्हें? वजह यह है कि इन सभी के बीच का एंगल खुद का क्या हो रहा है, 180। ठीक, तो ये तो आसान था जीरो जीरो वाला। मजा क्या आएगा जब हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे आई को जे के साथ। ठीक, तो अब एक बात है, तुम तुरंत सोच रहे होगे कि सर वन हो जाएगा, सही सोच रहे हो, लेकिन आप ये मत भूलो कि जब भी क्रॉस करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, तो खाली वन बोलने से काम नहीं होगा। वन तो मैग्नीट्यूड हुआ, यू हैव टू से अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो, आपको डायरेक्शन भी देखना होगा। तो पहली बात है आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई क्रॉस जे का, सीधी सी बात है वन हो जाएगा। क्यों वन होगा, तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90, क्योंकि आई है एक्स के लॉन्ग, जे है वाई के लॉन्ग, एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा ना भाई, तीन बार 1 को गुना करोगे। लेकिन सवाल है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो ये तो बहुत आसान है, कहोगे कि सर हम लोग राइट हैंड थंब रूल जानते हैं, तो देखो कैसे होगा। आई किधर होगा, आई का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, जे का मतलब हो गया वाई एक्सिस। तो देखो आई हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन हो गया, जे। तो आई को अगर जे के साथ क्रॉस करोगे, ये हुआ आई और ऊपर हो गया जे, तो आई क्रॉस जे तुम लोग की तरफ आया कि नहीं आया? देखो ये आई और ये जे, फिंगर को आई के लॉन्ग रखे, जे के लॉन्ग घुमाए, तो तुम्हारी तरफ आया कि नहीं आया? तो तुम्हारी तरफ आया, तो तुम्हारी तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, जेड एक्सिस। तो इसका मतलब है इसका डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब जरा सोचो कि तुम चाहो तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड वन हो गया, डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि कोई एक वर्ड से काम चल जाए। तो एक वर्ड क्या होगा, तो याद करो जेड एक्सिस के लॉन्ग भी तो एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास, जिसका क्या नाम है, के। और संयोग से के का डायरेक्शन जेड एक्सिस वाला है, अब मैग्नीट्यूड वन है, और आई क्रॉस जे का भी मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन जेड एक्सिस है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, सीधी सीधी बात है कि आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। अरे आया समझ में, क्योंकि आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड हुआ वन, डायरेक्शन कौन सा हुआ, जेड एक्सिस वाला, तो के एकदम से इसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो गया जो इसके मैग्नीट्यूड से भी मैच कर रहा है, और डायरेक्शन तो जेड एक्सिस वाला आपका है ही। क्लियर, तो चलो ये तो बात हो गई आई क्रॉस जे की। तो कहोगे सर इसमें तो मेहनत पड़ेगा, हर एक के लिए करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आई क्रॉस जे अगर के है, तो कल को जे क्रॉस के करना पड़ा, तो मतलब जे पहले आई बाद में, सिंपल है भाई। आई क्रॉस जे अगर तुम्हारी तरफ है, तो जे क्रॉस आई तुमसे दूर होगा यानी अंदर की ओर, तो अंदर की ओर अगर बाहर की ओर पॉजिटिव के है यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो अंदर की ओर नेगेटिव जेड एक्सिस, तो हम लोग सीधा यहां लिख देंगे माइनस के। आ रही है बात समझ में? तो आई क्रॉस जे हो गया के और जे क्रॉस आई हो गया माइनस के। ठीक इसी तरीके से अब तुम सबका कर सकते हो, जैसे जे क्रॉस के, अब तुम बैठ के ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? मुझे तो पता है इसका क्या आंसर होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करना, मैंने तो पहले ही बता दिया डायरेक्शन। तो फिंगर को रखोगे वाई के लॉन्ग, घुमाओगे तुम जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो आपको जे क्रॉस के करोगे तो ये मिल जाएगा आई, रिवर्स करोगे के क्रॉस जे करोगे तो मिलेगा माइनस आई, ठीक है? इसी तरीके से के क्रॉस आई करोगे तो पक्की बात है क्या मिलेगा तुमको, जे, और आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस जे। आप चाहो तो सबको फिंगर वाले रूल से चेक कर सकते हो, लेकिन तुम कहोगे कि सर जैसे आपने इन सभी को याद कर लिया है पहले ही, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि मैं भी बार बार ये क्रॉस व्रॉस कितना करूँगा बैठ के, कुछ ट्रिक बताया जाए। तो ट्रिक अब बताते हैं, एक तो आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं अगर एक ट्रिक से काम करोगे तो भी हो जाएगा।
कैसे? देखो इसका ट्रिक क्या, एक सर्कल बनाओ, ध्यान देना, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बना लो। सर्कल के ऊपर लिखने का सीक्वेंस तुम्हें थोड़ा याद रखना होगा। आई यहाँ लिख दो, जे यहाँ लिख दो और के यहाँ लिख दो, आई जे के, ठीक। इतना तुम्हें पता है कि दो अलग अलग को मल्टीप्लाई करने से तीसरा आंसर ही आएगा, तुम देख ही सकते हो। आई जे से के ही आ रहा है, जे के से आई आ रहा है, आई के से जे आ रहा है, बस ये प्लस माइनस वाला झंझट है, इसको दूर करना होगा, वो हो जाएगा। देखो ये सर्कल में जब तुमने बना लिया तो अगर तुम क्लॉकवाइज चलते हो घड़ी के दिशा में, जैसे आई क्रॉस जे तो तीसरा वाला आंसर होगा, जे क्रॉस के तो तीसरा वाला आंसर होगा, के क्रॉस आई तो तीसरा वाला आंसर होगा। अगर तुम क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा। जैसे देखो आई क्रॉस जे तो आई क्रॉस जे तो प्लस में आंसर आया के, फिर देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो प्लस में आंसर आया तीसरा बचा हुआ आई, फिर देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो तीसरा क्या बचा, प्लस में जे। और यही अगर एंटी चलना होगा, मान लो जे से आई गए, आई से के गए, के से जे गए, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा हो गई, एंटी क्लॉक। ये याद रखने का एक तरीका है, उसमें नेगेटिव आंसर में आएगा। जैसे जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई तो तीसरा बचा हुआ के क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हो। फिर देखो के क्रॉस जे तो कौन बचा, आई, तो देखो माइनस आई आया कि नहीं आया। फिर तीसरा आई क्रॉस के तो कौन बचा, जे, तो देखो माइनस आया कि नहीं आया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा, और ये आपका है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलो इसको अच्छे से लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स जिनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हों। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मतलब कि वेक्टर्स जो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में के फॉर्म में दिए हुए हैं उनको हम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए आप देखिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मान लो यहां पे कि वेक्टर ए इज गिवन 3i + 4j, वेक्टर कितना दिया हुआ है बच्चों, 3i + 4j, और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i + 5j। अब तुम्हें कोई बोल दे कि दोस्त ए क्रॉस बी का रिजल्ट कितना होगा, तो पहले ए बाद में बी, तो सीक्वेंस आप मेंटेन रखो, 3i + 4j क्रॉस 2i + 5j। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे करना है। तो पहले i को उठाओ और i से मल्टीप्लाई करो। तो तुम्हें याद होगा कि हमने अभी तुरंत सीखा है कि i को i के साथ क्रॉस करने से ये हो जाएगा 0। फिर i को j के साथ क्रॉस करोगे तो बच्चों याद करो क्या हमने सीखा है, i क्रॉस j होता है k, तो 3 × 5 ये हो गया 15, और i क्रॉस j क्या हो गया बच्चों, k, तो 3 × 5 15 k, ओके। और
आपका ये हो गया 15K। चलो अब 4J को उठाओ, 4 × 2 ये तो 8 हो जाएगा, और J क्रॉस I, तो बच्चों याद करो I क्रॉस J अगर K होता है तो J क्रॉस I मैंने आपको बताया था माइनस K, तो 4 × 2 = 8, लेकिन I क्रॉस J माइनस K आएगा, तो माइनस को आगे कर लो, तो आप देखो अल्टीमेटली आपका क्या आया, 15K - 8K आंसर आया 7K। देख लिए ना कितना सिंपल आया, तो A क्रॉस B का वैल्यू कितना कैलकुलेट होके आ गया 7K। ठीक है, चलो एक एग्जांपल तुम बनाओ, फटाफट सॉल्व करो। अब मैं दे देता हूँ वेक्टर A इक्वल टू 4i + 3j + 6k, और वेक्टर B जो है वो है सिर्फ 5k। ठीक, अब अगर यहां पे A क्रॉस B करने को बोले तो आप बताओ फटाफट क्या होगा, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, तो तुम देखोगे तुमने सॉल्व कर लिया होगा, तो 4i + 3j + 6k को क्रॉस किससे करना है बच्चों, 5k से, तो यहां ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, सिर्फ 5k से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 5 = 20, और i क्रॉस k, तो i क्रॉस k पता है ना आपको माइनस j होता है, क्योंकि k क्रॉस i होता तो j होता, लेकिन जो पहले है उसको पहले ही रखना है, सीक्वेंस में दिक्कत नहीं करनी है, ये बात हमने डिस्ट्रीब्यूशन में सीख रखा है, तो i क्रॉस k माइनस j। ठीक है, चलो 4i का तो हो गया काम, फिर देखो प्लस 3j × 5k, तो 5 × 3 = 15, और J क्रॉस K होता है बच्चों याद करो I होता है, जिसको लिख देंगे I। ठीक है, और लास्ट में 6K × 5K, तो K क्रॉस K तो 0 होता है आपको पता है, तो इसको हम लोग ढंग से अगर लिखना चाहें तो 15i पहले लिख लोगे और ये -20J को बाद में, दिस इज आंसर। ओके, समझ में आ रही है बात, तो इतना आराम से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। चलो तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। कर लिया नोट डाउन आपने? दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब ये थोड़ा ना हम लोग डिफिकल्ट वाला देखते हैं, डिफिकल्ट इन द सेंस कि वेक्टर के तो तुम जानते हो तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं एक्स वाई और जेड, अगर वो दोनों वेक्टर के तीनों कंपोनेंट होंगे लाइक देखते जाना, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई है ना, ए वाई जे ए जेड के, ओके, और वेक्टर बी जो है आपका बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। अब सोचो कि अब अपने को अगर कोई बोल दे कि वेक्टर ए को बी के साथ क्रॉस करो, ठीक, तो अब सोचो जरा तुम खुद कि तुम्हें क्या लिखना होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे अब प्लस बी जेड के। अब इसके रिजल्ट को लिखने के लिए सोचो कितनी मेहनत लगेगी हमें, कि पहले ए एक्स को उठाओ इन तीनों को क्रॉस करो, फिर ए वाई को उठाओ इन तीनों को क्रॉस करो, फिर ए जेड को उठाओ इन तीनों को क्रॉस करो, कितना लंबा आ जाएगा भाई। डॉट में क्या होता था ना कि इसका इसका डॉट आई आई का डॉट 1 होता था बाकी का 0, इसलिए वहां उठा के कर सकते थे कि ए एक्स बी एक्स हो गया, ए वाई बी वाई हो गया, ए जेड बी जेड हो गया, लेकिन यहां तुम जानते हो कि जब ए एक्स आई को लेके आओगे तो केवल आई क्रॉस आई 0 होगा, लेकिन ये दोनों तो 0 नहीं होगा, तो आपको टोटल 6 टर्म लिखना पड़ेगा और मेहनत ज्यादा आएगी, तो इसका एक ट्रिक निकालते हैं, है ना, इसका एक ट्रिक बनाते हैं। देखो इसके रिजल्ट में पक्का है कि अगर वैक्टर्स आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है तो रिजल्ट भी आई जे के फॉर्म में ही आना चाहिए, तो देखो एक दिमाग लगाते हैं।
और ये आपने शायद 9th-10th में शायद देखा भी होगा इस टाइप का जो सॉल्यूशन जो मैं अभी करूंगा। पहले आप देखो यहां पे आप लिखो, पहले दोनों में जो वेक्टर है वो लिख दो ए, फिर उसके नीचे लिख दो बी, फिर एक लाइन दे दो ऐसे, ठीक है। अब ऊपर में लिख दो आई, ये आई कंपोनेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे ए एक्स और यहां पे लिख देंगे बी एक्स, फिर लिख देंगे यहां पे जे, तो दिस इज ए वाई और इसका हो गया बी वाई, फिर लिख देंगे के, तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड, ठीक है। ये ध्यान रहे कि ऊपर में वो लिखाना है जो क्रॉस में पहले लिखा हुआ है, उसको अप में लिखना है, अब नीचे में किसको लिखना है जो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब इसके रिजल्ट को लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ए क्रॉस बी का रिजल्ट देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, इसके रिजल्ट में भी तीनों कंपोनेंट आएंगे, तो सबसे पहले हम आई कंपोनेंट लिखना चाहते हैं। कौन सा कंपोनेंट बच्चों? आई कंपोनेंट। तो अगर आई कंपोनेंट लिखना चाहते हो तो इसको ढक लो, इसको ढक लो, मतलब ये नहीं करना है, ऐसे हाथ रख देंगे, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लेकिन समझोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। इसको ना हम लोग हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। तो करना क्या है मेरे को, ए एक्स को बी जेड से गुना करो, ए वाई को बी जेड से और ए जेड को बी वाई से। मतलब कि पहला कंपोनेंट अगर हमें आई लिखना है तो आई वाले को ढक लेंगे, अब बाकी इन दोनों को नहीं ढकेंगे। तो ऐसे याद रखना, अप से डाउन सेंस यही होना चाहिए। ये आपका हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट। तो देखो क्या मैं कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया ए वाई इंटू बी जेड, क्लियर है। फिर यहां पे माइनस का साइन दे दो, फिर इधर से अब क्या होगा, ए जेड बी वाई, बस ये आपका आ गया इसका आई का मान। फिर यहां बीच में लिख दो माइनस, ये थोड़ा अलग है, बीच में माइनस याद रखना होगा। अब हमें क्या लिखना है, जे कंपोनेंट, तो जे वाले को ढक लो, जे वाले को ढक लिया हमने। अब यहां से यहां फिर वैसे ही लेफ्ट टू राइट, तो क्या लिखेंगे ए एक्स बी जेड, ठीक। फिर राइट टू लेफ्ट, तो फिर लिखेंगे माइनस ए जेड बी एक्स और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो जे से, लास्ट में फिर प्लस, यहां माइनस लेकिन लास्ट में फिर प्लस लिखना है। अब के वाले को लिखना है, के कंपोनेंट को, तो के वाले को ही ढक लेंगे, जो कंपोनेंट लिखना है उसको ढक लेंगे। और फिर लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट इधर से इधर, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस राइट टू लेफ्ट ए वाई बी एक्स इन टू के। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहां पे ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, और आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा आप जस्ट यहां पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट लिखो, इस पर अब दो एक्सरसाइज कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्या करना है। तो जल्दी जल्दी लिख लो, आप फटाफट लिखो, चलो वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिख लो। अब जैसे देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और तुम्हें समझ में आएगा। a इक्वल्स टू मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k और b इक्वल्स टू 4i प्लस 6j प्लस 3k और तुम्हें कोई कह दिया a क्रॉस b निकालने को। कितना आसान है, फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है और मैंने जानबूझ के ऐसे लिख ही दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग आई कंपोनेंट लिखेंगे, तो इसी आई वाले को ढक लेंगे, तो फिर क्या करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, 3 क्रॉस 3, देख रहे हो ना, ए जेड बी जेड, सॉरी ए वाई बी जेड,
ए वाई थ्री है और बी जेड थ्री है, तो थ्री क्रॉस थ्री, ठीक, माइनस, फिर राइट टू लेफ्ट फोर क्रॉस सिक्स, फोर क्रॉस सिक्स, और मल्टीप्लाई कर दो आई से, फिर यहां लिखो माइनस, ओके, जैसे वहां पे हमने लिखा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो माइनस करने के बाद अब हम लोग को जे का लिखना है, तो जे वाले को ढक लो, तो टू क्रॉस थ्री, लेफ्ट टू राइट, टू क्रॉस थ्री, टू क्रॉस थ्री, माइनस फोर, अब देखो फिर राइट टू लेफ्ट, फोर क्रॉस फोर, फोर क्रॉस फोर इंटू जे, फिर देखो फॉर्मूला के हिसाब से प्लस, अब के वाला लिखना है, तो के को ढक लेंगे हम लोग, तो के को अगर ढक लेंगे तो अब हम लोग किस में, लेफ्ट टू राइट, टू इंटू सिक्स, इसको ढक लिया हमने, टू इंटू सिक्स, अब फिर फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री इंटू के, आ रही है बात समझ में दोस्तों? चलो अब आंसर आ गया, अब सॉल्व कर लो इसको, थ्री इंटू थ्री नाइन, अब फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, तो नाइन माइनस ट्वेंटी फोर, नाइन माइनस ट्वेंटी फोर करोगे तो नाइन माइनस ट्वेंटी फोर करोगे तो माइनस फिफ्टीन आई आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो टू इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स, अब फोर इंटू फोर सिक्सटीन, तो सिक्स माइनस सिक्सटीन माइनस टेन, अब माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस टेन जे, और रही बात इसकी ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, खत्म, 12 माइनस ट्वेल्व हो गया जीरो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो दोस्तों इस तरीके से ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया वो आया माइनस फिफ्टीन आई प्लस टेन जे, सॉरी टेन जे, ठीक है। तो इतना आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस होने पे और इजी होगा। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, ये तो पहले ही आपको लिखा हुआ था, एक और सॉल्व करते तो इस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक और सॉल्व करते हैं बच्चों, तो मान लो वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 4i माइनस 3j माइनस 5k, और b इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 3k, तो आपको a क्रॉस b करना है। अब थोड़ा फटाफट करते हैं, तो सबसे पहली बात है i लिखना है, तो i वाले को ढक लो और लेफ्ट टू राइट, तो माइनस 3 इंटू थ्री, तो माइनस 3 इंटू थ्री कितना हुआ दोस्त, तो माइनस थ्री इंटू थ्री हो गया माइनस नाइन, और फिर माइनस फाइव इंटू फोर माइनस ट्वेंटी, तो नाइन में से माइनस ट्वेंटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस तो फॉर्मूला से आएगा और ये मल्टीप्लाई होके माइनस ट्वेंटी हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई से कर दो, फिर माइनस, अब जे लिखना है, तो जे लिखना है तो आई जे वाले को ढक लो, तो फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ठीक, फोर इंटू थ्री हो गया ट्वेल्व, माइनस फॉर्मूला वाला, फिर माइनस फाइव इंटू माइनस टू, क्योंकि जे को ढके हुए हैं, माइनस फाइव इंटू माइनस टू, तो ये कितना हो गया टेन, ये हो गया जे। अब प्लस, अब के लिखना है, तो के को ढक लो, फोर इंटू फोर है ना, लेफ्ट टू राइट, तो हो गया सिक्सटीन, माइनस थ्री इंटू माइनस टू, तो माइनस सिक्स, और ये हो गया आपका के। तो इस तरीके से बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो ट्वेंटी में से नाइन गया एलेवन आई, और ट्वेल्व में से टेन गया माइनस टू जे, और सिक्सटीन माइनस सिक्स हो गया आपका टेन के। तो इसको दो तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो कितना आराम से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज एक दूसरा तरीका तो है ही कि आप एक एक को आई को उठाओ, फिर सबको मल्टीप्लाई करो, फिर जे को उठाओ, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसान रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को इसका एप्लीकेशन में 4-5 मिनट और लगेगा, तो चूंकि वीडियो लंबा हो गया है तो कल हम लोग क्या क्या करेंगे सो बता रहे हैं। आज आपको इसके साथ इसके डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन समझते ही होगे, वहाँ पे आपको इसका DPP मिलेगा जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे क्वेश्चंस होंगे, तो एक तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको कल मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन भी कल, जिसमें 5-10 मिनट और लगना है, वो मैं बताऊँगा। तो कल की क्लास जो होगी वो इनके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस और प्लस एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक इसको आप रिवाइज़ करिए।